18 मई को दुनिया भर में विश्व पुरातत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुरातत्व दिवस के अवसर पर इंदौर के केंद्रीय संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ संभाग आयुक्त ने किया। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व दिवस मनाया गया। शहर के केंद्रीय संग्रहालय सहित लालबाग में पुरातात्विक महत्व की प्रदर्शनियां लगाई गई। केंद्रीय संग्रहालय में प्रदर्शनी का शुभारंभ कमिश्नर दीपक सिंह ने किया। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि भारत देश का गौरवशाली इतिहास है और पुरातत्व है। प्रदेश के मांडू में भी कई प्राचीन इमारतें हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल करने के लिए प्रयासरत हैं। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट। पुरातत्व दिवस पे मध्य प्रदेश शासन के पुरातत्व विभाग के द्वारा आज यहाँ केंद्रीय संग्रहालय में जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार, पुरातत्वविद और इस विषय पर रुचि करने वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं। भारतवर्ष में अगर हम देखें, विशेष रूप से इंदौर के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर ऐसे अनेक स्थान हैं, चाहे वो मांडू हो या बुरहानपुर हो, महेश्वर हो, इंदौर हो, जहाँ की हमें जो नर्मदा वैली की जो सभ्यता थी वहाँ से लेके और तमाम जो अलग अलग काल हुए, विशेष रूप से गुप्त काल की तो राजधानी ही उज्जैन थी, बाद में परमार काल में राजा भोज की राजधानी धार और मांडू रही, और कालांतर में होलकर के समय में, राजवंश के समय में अहिल्या जी का और होलकर राजवंश का जो शासन रहा, इस तरह अनेक ऐतिहासिक धरोहर को यहाँ संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है। और मुझे ये आज बहुत खुशी है कि इस अवसर पे मुझे संग्रहालय में आने का अवसर मिला, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यूनेस्को ने इंदौर संभाग में बुरहानपुर के कुंडी भंडारा को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। और अभी मध्य प्रदेश शासन इसके लिए भी प्रयासरत है कि मांडू में जो वहाँ पर आर्कियोलॉजी महत्व के जो इमारतें हैं उनको भी यूनेस्को से एक वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाया जाए। तो ये जहाँ एक ओर हमें अपने इतिहास से हमें अवगत कराता है, वहीं दूसरी ओर हमें इस बात की भी प्रेरणा देता है कि हम भविष्य में और बेहतर करें।